प्यारे बच्चों, आज क्लास 4 के प्रथम लेसन हिंदी में केरल की एक झांकी दी गई है, जिसमें चित्र दिया गया है उसका वर्णन करना है। यानी केरल की झांकी पर आपको एक टिप्पणी लिखना है चित्र को देखते हुए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केरल जो है भारत का एक राज्य है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की भाषा है मलयालम और यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा बड़ी संख्या में ईसाई यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। यह राज्य दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर के किनारे बसा है। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। केरल का मुख्य भोजन जो है चावल है और यहाँ कृषि कार्य भी किए जाते हैं। यहाँ नारियल की खेती के क्षेत्र में यह भारत का प्रथम राज्य है। मसाला क्षेत्र में भी केरल का स्थान प्रथम है। मैं आपको बता दूं कि जो आपके बुक में चित्र दिए गए हैं, उसमें दिखाया गया है कि समुद्र के किनारे ये बड़े बड़े नारियल के पेड़ जो हैं, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, झील हैं, टूरिस्टों के लिए भी, तीर्थ यात्रियों के लिए भी केरल राज्य बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत सा चर्च यहाँ समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ के जो चर्च हैं, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निखारते हैं। समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे टबू बनाए गए हैं, जिसमें यात्रियों को रहने के लिए स्थान दिया जाता है, इस टूर के लिए बहुत ही मनमोहक। वहाँ प्रतिवर्ष यात्री रुककर समुद्र की खुली हवाओं का आनंद लेते हैं। यहाँ मछुआरे अपनी नौकाओं के द्वारा मछली पकड़ने का भी कार्य करते हैं और ये मछलियाँ व्यापारिक स्तर पर देश के विभिन्न हिस्सों में भेजी जाती है। बच्चों, केरल के बारे में मैं बता रहा था, आपने क्या समझा कि केरल भारत का एक राज्य है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को मानने वाले निवास करते हैं। यह राज्य जो है अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। खूबसूरत शहरों में यह एक शहर है, एक राज्य है। इसका क्षेत्रफल 38,863 किलोमीटर है। यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है और मुख्य भोजन चावल है। यहाँ नारियल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मसाला उत्पादन के क्षेत्र में भी यह हिंदुस्तान का प्रथम राज्य है और समुद्र में जो मछुआरे हैं, एक व्यापारिक स्तर पर मछली पकड़ने का काम करते हैं, जिन मछलियों का व्यापार देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाता है। इस तरह केरल की झांकी पर मैंने प्रकाश डाल दी है। मैंने वीडियो के माध्यम से केरल के झांकी के बारे में आपको बता दिया। अब इस आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और फिर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।